यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि एक सीपीयू को कैसे असेंबल किया जाता है। हमारे पास एक कैबिनेट है, लेनेवो थिंक सेंटर का ही हमारे पास कैबिनेट है। यहाँ पे सामने पे कुछ हम लोग को दिया होता है, जैसे कि ये पावर केबल है, यहाँ पे हम लोग को पावर की लाइट दिखती है, और यहाँ पे एक हार्ड डिस्क की यहाँ पे लाइट हम लोग को मिलती है। और यहाँ पे एक फ्रंट पैनल दिया हुआ है जिसमें दो USB पोर्ट्स है और एक हेडफोन का पोर्ट है, एक माइक का पोर्ट है। और यहाँ से हम लोग अगर इसको देखें तो पूरा ये खाली है, अभी कुछ भी यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। और हम लोग इसमें पूरा का पूरा सारे पार्ट्स जो है वो असेंबल करने वाले हैं। यहाँ पे पहले से एक फ़ैन लगा हुआ हम लोग को मिल जाता है कैबिनेट पे, और यहाँ कुछ हम लोग को केबलिंग मिल यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है। जैसे कि ये दो केबल जो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों केबल जो है ये ऑडियो के लिए है। एक पावर केबल है जो पावर स्विच यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला पावर स्विच, इसका ये केबल है, और यहाँ पे ये ऑडियो का पोर्ट है। तो इतने यहाँ पे हम लोग को पहले से कॉर्ड्स जो है मिल जाते हैं। और हम लोग को यहाँ पे ये केबल मिलता है इस फ़ैन के लिए, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं, ये हार्ड डिस्क है, इस प्रकार से हार्ड डिस्क दिया होता है। हार्ड डिस्क जो है सी गेट का हार्ड डिस्क है, 320 GB का। इसको हम लोग यहाँ पे असेंबल करके देखेंगे। ये जो है ये पावर सप्लाई है जिसको हम लोग SMPS बोलते हैं, SMPS। और इसके अंदर बहुत सारी केबलिंग हम लोग को यहाँ पे मिल जाती है, जो अलग अलग जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं सबको अलग अलग पावर सोर्स सप्लाई करता है। ये हम लोग असेंबल करेंगे। और यहाँ पे ये मदरबोर्ड जो मेन पार्ट होता है इसका CPU का, ये मदरबोर्ड होता है। तो ये मदरबोर्ड पहले से हमने इसमें रैम लगा के रखा है, ये दो स्लॉट होते हैं रैम के। और यहाँ पे प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर का मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ कि कैसे हम लोग प्रोसेसर इसमें असेंबल करते हैं। और ये कूलेंट फ़ैन होता है जो कि जब पावर ऑन होता है और प्रोसेसर यूज़ होता है तो उसके बाद ये फ़ैन भी चलना स्टार्ट हो जाता है। और अगर इस मदरबोर्ड में हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग को अलग अलग टाइप के पोर्ट्स मिलते हैं। ये तीन ऑडियो पोर्ट हम लोग को मिलता है, एक लैन पोर्ट है, और यहाँ चार USB पोर्ट है, और उसके बाद VGA पोर्ट है, और यहाँ पे USB 3.0 का पोर्ट है। और ये दो जो है वो PCIe एक्सप्रेस का हम लोग को यहाँ पे स्लॉट भी मिल जाता है। और ये छोटी सी बैटरी लगी हुई है, CMOS बैटरी है, जो कि टाइमर के लिए जनरली लगाया जाता है। तो ये सारे पार्ट्स जो है हम लोग यहाँ पे फिट करने वाले हैं। साथ में यहाँ पे एक हमारे पास एक छोटा सा केबल है जिसको हम लोग साटा केबल बोलते हैं। ये साटा केबल इस हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए होता है। चलिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं हार्ड डिस्क पे और इसको मदरबोर्ड पे फिट करते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे इस CPU को असेंबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे SMPS को लगाया जा रहा है, इसको स्क्रू की मदद से यहाँ पे फिट किया जाता है। ये अंदर में लगता है, इस प्रकार से स्लॉट जो दिए होते हैं पहले से यहाँ खांचा बना होता है, वहाँ पे बस इसको रख के वहाँ स्क्रू लगा दिया जाता है। ये चारों स्क्रू जो है यहाँ पे फिट कर दिया गया है, इस प्रकार से ये SMPS जो है ये फिट हो चुका है। और यहाँ पे पावर कॉर्ड के लिए हम लोग को यहाँ पे स्लॉट मिलता है जिसमें हम लोग अपना पावर कॉर्ड लगाते हैं। यहाँ पे कवर लगाया जा रहा है जो कैबिनेट में लगता है, और जहाँ पे बहुत सारे स्लॉट्स हम लोग को दिए जाते हैं। ये पहले से मदरबोर्ड के साथ में आता है और वहाँ पे सिंपली हम लोग को उसको फिट करना होता है।
ये हमने यहाँ पे एक कवर जो है वो लगा दिया है। अगर इसको हम बैक साइड से देखें तो कुछ इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे मदरबोर्ड जो है उसका असेंबली किया जा रहा है। मदरबोर्ड को इस कैबिनेट के अंदर एक पर्टिकुलर स्लॉट दिया होता है, वहाँ स्क्रूज़ वगैरह सारे चीज़ दिए होते हैं, उसमें हमें लगाना होता है। अभी इसमें स्क्रू लगाया जाएगा और ये फिक्स हो जाएगा। ये जो मदरबोर्ड है वो इस स्लॉट पे फिक्स हो जाता है। मदरबोर्ड जो है वो फिट हो चुका है। अब यहाँ पे केबलिंग किया जाएगा, एक एक करके इसमें कॉर्ड्स लगाए जाएंगे। जितने भी पावर सप्लाई में हम लोग को यहाँ पे पावर के लिए अलग अलग टाइप के कॉर्ड्स मिलते हैं अलग अलग पार्ट्स के लिए, वो यहाँ पे लगाया जाएगा। तो सबसे पहले पावर सप्लाई लगाया जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। ये पावर सप्लाई लग चुका है। इसका पावर SMPS का पावर सप्लाई यहाँ लगाया जा रहा है। मदरबोर्ड कनेक्ट करने इससे मदरबोर्ड एक्चुअल में कनेक्ट हो जाएगा। जितने भी अलग अलग पोर्ट्स होते हैं उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। और ये हार्ड डिस्क को पावर दिया जा रहा है। हार्ड डिस्क को स्लॉट में फिट करके इसमें पावर सोर्स दिया जाएगा। और साटा केबल जो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा दिया हुआ है साटा केबल, इसको फिट किया जाएगा मदरबोर्ड के साथ में। ये SMPS से जो केबल आया हुआ है उसका एक पावर सप्लाई दिया जाता है, क्योंकि हार्ड डिस्क को भी यहाँ पे पावर की आवश्यकता होती है, तो SMPS जो है वो सप्लाई करता है। ये साटा केबल लगाया जा रहा है पावर सप्लाई के जस्ट बगल में, यहाँ पे लगाया जाता है साटा केबल। और उसको हार्ड डिस्क में एक साटा पोर्ट होता है वहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये साटा पोर्ट जो दिया हुआ है वहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है। ये साटा पोर्ट है, यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। और बाकी जो केबलिंग है वो अभी की जा रही है इसमें। ये ऑडियो पोर्ट जो है दो, उसको कनेक्ट कर दिया गया है। ये जो CPU है अभी पूरी तरीके से असेंबली हो चुका है, बस इसको हमें अब पावर सप्लाई देना है। पावर कॉर्ड हम पीछे से लगाएंगे और इसमें हम लोग पावर देके ऑन करेंगे। ये बैक पैनल जो है इस कैबिनेट को बंद करने के लिए दिया गया है, उसको हम लोग बंद कर देंगे और ये CPU पूरी तरीके से चालू हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें पावर सप्लाई देके और इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे हम लोग CPU का पावर केबल देखते हैं। ये एक प्रकार का पावर केबल आता है जो कि इंडियन वेरिएंट है, और यहाँ पे इस टाइप का हम लोग को मिल जाता है। ये यहाँ पे फिट होता है
ये इस पोर्ट पे हम लोग को फिट करना होता है, यहाँ पे हम लोग इसको लगा देते हैं और इसको पावर सप्लाई जो है मेन हम लोग सॉकेट्स में दे देते हैं। सॉकेट से हम लोग पावर सप्लाई यहाँ पे दे दिए। उसके बाद हमें कीबोर्ड, ये कीबोर्ड है जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड मार्केट में अवेलेबल होता है, और ये माउस है, ये दोनों को हम लोग को, ये यूएसबी माउस और यूएसबी कीबोर्ड है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दो यूएसबी केबल हम लोग को मिल जाता है, ये यूएसबी पोर्ट पे हमें लगा लेना है। ये माउस और कीबोर्ड हमने कनेक्ट कर दिया। थर्ड चीज़ हम लोग को कनेक्ट करना है मॉनिटर का एक वीजीए केबल होता है, ये मॉनिटर है, एलईडी मॉनिटर है हमारे पास, और इसका यहाँ पे हम लोग को वीजीए केबल और एचडीएमआई केबल दोनों मिलता है। तो हमारे मदरबोर्ड में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वीजीए केबल दिया हुआ है, तो ये वीजीए केबल है, इसमें 25 पोर्ट्स होते हैं, और इसको यहाँ पे हम लोग वीजीए पोर्ट पे कनेक्ट करेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और इस स्क्रू को हम लोग यहाँ टाइट कर देंगे। हमने यहाँ टाइट कर दी है और भी काफ़ी पोर्ट्स यहाँ पे खाली दिख रहे हैं हम लोग को, यहाँ पे ऑडियो पोर्ट्स है, लैन पोर्ट्स है, अभी लैन पोर्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। और ये जो हम लोग को मॉनिटर मिलता है, मॉनिटर जो है जनरली यूएसबी पावर्ड दिया हुआ है, बहुत कम पावर सप्लाई यूज़ करता है, तो हम लोग इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे यूएसबी से, तो ये इसको पावर मिल जाएगा। अब इसके बाद हम ऑन करते हैं, नीचे उसको लगा देते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो सीपीयू जो है अब असेंबल हो के रेडी हो चुका है हमारे पास, और हम लोग इसको देखेंगे कि ऑन करके डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर डिस्प्ले आ गया मतलब ये ऑन हो गया, अभी ऑन हो गया, फ़ैन चल रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ डिस्प्ले आ चुका है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम अभी नहीं डला हुआ है हमारे पास, आईलियन ओएस बस डला हुआ है यहाँ पे। हम लोग इसमें अगर विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे तो विंडोज़ भी हम लोग इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, वो आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि विंडोज़ कैसे इंस्टॉल किया जाता है हमारे कंप्यूटर पे, जिससे हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर ऑन हो चुका है और कंप्यूटर भी हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे असेंबल हो के ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है थिंग सेंटर का कैबिनेट और मदरबोर्ड, हमने यहाँ पे देखा कैसे असेंबल करते हैं, और यहाँ कीबोर्ड माउस वगैरह सारी चीज़ें पूरी कंप्लीट असेंबली हमने यहाँ पे देखा।